हाँ तो भाई लोग कैसे आप लोग साहब चंगा सी नहीं मोदी जी चंगा नहीं झूठ चल रहा है और इसके लाइव एग्जांपल्स हमको डेली देखने को मिल रहे हैं। कहीं कोई झूठे एलिगेशंस लगा रहा है, कहीं कोई झूठे प्रैंक्स बना रहा है और कहीं कोई झूठे वादे। हाँ तो भाई लोग आज हम लोग बात करेंगे वायरल रोड रेज वीडियो के बारे में। क्या यार जी हाँ वही स्क्रिप्टेड वायरल वीडियो जिसमें एक लड़की अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए यह बोल रही थी चलो चलो मोने स्टेशन का केस लगाओगी तुम। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है भाई। नो गाइस कि तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ तो होगे नहीं कि जिनको अभी तक ना पता चला हो कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड वीडियो थी, और फिर भी चलो तुम बिना सोचे समझे कोई वीडियो शेयर कर देते हो और तुमको पता नहीं है तो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जिसने ये वीडियो बनाई है वो खुद बोल चुका है। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, वो जो रोड रेज वीडियो थी ना वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी। सो आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे एंड मैं इस वीडियो में वन साइडेड नहीं जाऊंगा, दोनों साइड की गलतियां दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अब आई नो गाइस कि तुम में से कई सारे लोग दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते होंगे या फिर बोला जाए तो ओनली फैंस पे लगे रहते होंगे, जिनको पता ही नहीं होता होगा कि बाकी इंटरनेट पे क्या चल रहा है। सो जो मेरे इस तरीके के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं, एक छोटी सी स्टोरी लाइन बता देता हूं ताकि उनको आगे का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। तो गाइस इस कहानी की शुरुआत होती है इस वीडियो से। ये एक सो कॉल्ड रोड रेज वीडियो थी जिसमें एक लड़का और एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं, आमने सामने आ जाते हैं वो दोनों, और इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद हमको देखने को मिलता है कि जो वो लड़की होती है जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ होता है, वो लड़की लड़के को कहती है कि अगर तू मुझे पुलिस स्टेशन लेके गया तो मैं वहाँ जाके तेरे ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगा दूंगी। चलो चलो मोने स्टेशन। और इतनी ही क्लिप को काट के हमारे सो कॉल्ड मीम पेजेस ने अपलोड कर दिया, जिसके ऊपर लिख दिया फेक फेमिनिज्म। और हाल फिलहाल जोमेटो वाली कंट्रोवर्सी चली रही थी, लोगों का फेक फेमिनिज्म के ऊपर ऑलरेडी गुस्सा भरा हुआ था। गुस्सा कहाँ निकाले, दे दी भाइयों ने, चलो इस पे निकाल लेते हैं। लेकिन ये सब वन साइडेड डेटेड माहौल चल ही रहा था कि इतने में पता चलता है कि जिस वीडियो के ऊपर लोग अपना गुस्सा दिखा रहे थे, जिसके ऊपर लोग काफी ज्यादा भावुक हो रहे थे, वो एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। अब जब लोग फेमिनिज्म के नाम पे एक इनोसेंट लड़की को गंदी गंदी गालियां दे चुके हैं और उसी की थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि उनके साथ एक प्रैंक हो गया है, तो उनका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना ही था, और वो गुस्सा निकल गया इस लड़के के ऊपर। मतलब मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता आज की डेट में भी 2021 में भी लोग ट्रेंड के हिसाब से माइंड सेट रखते हैं अपना। पहले जोमेटो वाली लड़की को सिंपैथी देंगे, फिर लड़के का स्टेटमेंट आ जाएगा तो लड़के को सिंपैथी देने लगेंगे। अभी हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उस वीडियो को ही देख लो, कुछ दिन पहले तक लोग लड़की को गाली दे रहे थे, अब कल जब लड़की का स्टेटमेंट आ गया तो लोग लड़के को गाली देने लगे। वैसे सही दे रहे हैं, गाली के लायक है। फिर वापस पॉइंट के ऊपर आते हैं भैया, जब लोगों के अरमानों के साथ आप खेलोगे तो जाहिर सी बात है लोग आपको गाली देंगे। एज इट इज हमारे लौंडे के साथ भी हुआ, लेकिन हमारा लौंडा जाकिर भाई से भी ज्यादा सख्त है। सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जाकिर भाई लड़कियों के मामले में सख्त है और ये सुअर रिस्पेक्ट के मामले में सख्त है। मतलब लोगों ने लिटरली इसको पकड़ लिया था कि ये स्क्रिप्टेड वीडियोस बना रहा, उसके बाद भी ये इतना कॉन्फिडेंट था जिसकी कोई हद नहीं। इनफैक्ट जब प्रूफ भी दे दिए ना उसके बाद इसने अपोलॉजी नहीं दी बल्कि एक रिप्लाई वीडियो बना दी, और आज की इस वीडियो में उसी के रिप्लाई वीडियो का रिप्लाई देने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है। तो आओ मेरे ख्याल से अब बहुत ओवरव्यू होगा, वीडियो शुरू ही कर देते हैं सीधा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, वो जो रोड रेज वीडियो थी ना वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी। Yes. Nice. जिस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा है उस वीडियो के बारे में ये 90,000 लोगों को बता के कूल बन रहे हैं। स्क्रिप्टेड वीडियो थी। Yes. और मेरे अनपढ़ ने जो ये वीडियो बनाई है ना इसको ऑलरेडी करोड़ों लोग देख चुके हैं, जैसा तू खुद क्लेम कर रहा है और मैंने खुद देखा है। और जब तक तेरी वीडियो मीम सेंसेशन थी तब तक तूने कहीं नहीं कबूला कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो, इनफैक्ट तू तो ये प्रूव करता रहा कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। और दूसरी बात लोग ये बोल रहे कि मैंने फेक बनाया, ठीक है एक बार के लिए मान जाते कि मैंने लड़की को पैसे दिए, सो वहाँ पे जो बाकी के लोग आ गए थे क्या मैंने उनको भी पैसे दिए? मतलब एक हुआ बना कर रखा कि स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाई है। और आज जब तेरा सेंसेशन, सो कॉल्ड सेंसेशन खत्म हो गया तब तू ये पब्लिकली आके बोल रहा है कि स्क्रिप्टेड थी, और उसमें भी तो चीजों को जस्टिफाइड कर रहा है। हर सिक्के के दो पहलू होते ही है, आदमी अगर ऊपर जा रहा है तो लोग उसका पास्ट निकालते हैं, उसकी बुराइयां निकालते हैं और उसके साथ साथ गलतियां भी निकालते हैं। सो सेम मेरे साथ हुआ, मेरे पुरानी रोड रेज वीडियोस देखी और लोग बोले कि यस हमें स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है। मैं समझता था पूरी यूट्यूब में सिर्फ एक ही है, आज पता चल गया बहुत है, ढूंढने एक जाओगे तुम जैसे लाखों से टकरा जाओगे। अब वो मैंने स्क्रिप्टेड वीडियो क्यों बनाई, अब वो बहुत बुखार मच गया उस चीज के ऊपर। मैंने इंस्टाग्राम पे एक्चुअली बोला कि वो रियल थी, बट अभी मैं स्क्रिप्टेड क्यों बोल रहा हूँ। अरे मैं बता दे रहा क्योंकि यूथ इंडिया रेप जैसे बड़े बड़े पेजेस ने आपके अंग विशेष में प्रूफ डाल दिए थे, जिसमें ये प्रूफ हो चुका था कि ये वीडियो
स्क्रिप्टेड है। दैट द रीजन आपने प्रेशर में आके पब्लिकली ऑफिशियली ये बता दिया कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, वरना मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपको कोई पकड़ता नहीं या फिर आपके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं दिखाता तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आप सामने से कभी नहीं मानते कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो थी। अब वो मैंने स्क्रिप्टेड वीडियो क्यों बनाया, क्या कारण था? फर्स्ट इज अवेयरनेस और दूसरी बात ये है कि ये फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ओ अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट, देख भाई पहले अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। जहां तक मेरी बुद्धि गई है, रिसर्च गई है और जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक तो मेरे को यही दिख रहा है कि इस वीडियो से अवेयर कोई नहीं हुआ है, बल्कि लड़कियों को गाली देने का, फेमिनिज्म के नाम पे सारी लड़कियों को गाली देने का एक मौका मिल गया लोगों को, दैट से। और रही बात एंटरटेनमेंट की, तो एक सेंसिटिव लॉ, एक मोलेस्टेशन का सेंसिटिव लॉ, उसका एक तरीके से मजाक उड़ा देना वो तेरे लिए एंटरटेनमेंट है। अगर तेरे लिए लॉ का मजाक उड़ाना एंटरटेनमेंट है तो फिर मैं क्या ही बोलूं। तो लीगल एडवाइजर है, वो देख ही लेंगे, समझ ही लेंगे अपने आप। अब लोगों को ये लगेगा कि यस मैंने फॉलो और सब्सक्राइबर्स के लिए किया, अगर करना ही होता तो मैं 3 साल पहले ही कर देता। मेरे बेटे तो सालों से ट्राई कर रहा था, हुआ नहीं, ये वो दोनों चीजों में अंतर कर देता। वीडियो वायरल होगी तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे अमित भड़ारा और भुवन में कुत्ता नहीं पूछता तुमको, कुत्ता लिटरली कुत्ते से ज्यादा सॉरी शेरू। देखो भाई सो की सीधी बात, ये बंदा कितना ज्यादा टैलेंटेड होगा ये इसकी आंखों में चमक रही रिंग लाइट बता देती है, और ये कितना मैच्योर्ड होगा ये इसकी अपोलॉजी वीडियो देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। इस अपोलॉजी वीडियो में ये अपोलॉजी की बजाय लोगों को रोस्ट करने का ट्राई कर रहा है, ये उन्हीं का फ्लो मार रहा है जो रोस्टर लोग आजकल मारते हैं, और इस आड़े तेड़े एक्सेंट को मार के ये सोच रहा है कि ये बहुत ज्यादा कूल और वोक लगेगा, चूतिया लग रहा है, भयंकर लोग। एक बंदा एक वीडियो बनाता है जिसमें एक लड़की एक लड़के को धमकी दे रही है कि मैं मोलेस्टेशन का केस लगा दूंगी, एंड आप उस वीडियो को सच मान के फेमिनिज्म के नाम पे हर किसी को गाली देने लगते हैं। भाई फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म और लड़कियां ये बहुत अलग अलग कैटेगरी है, हर कैटेगरी में हर किसी को मत डालो। किसी लड़की को प्रपोज करो और वो तुम्हें मना कर दे तो बदले में उसको गाली दे दो और बोल दो कि भाई फेमिनिस्ट थी, कोई लॉजिक नहीं हुआ इस चीज का। नाउ ये तो समझ में आ गया कि ये बंदा चूतिया है, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। अब बात कर लेते हैं उस लड़की के बारे में जो इस वीडियो में थी, तो चलो लड़की के ऊपर चलते, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 11 सर्कल के बारे में। तो गाइस आपको पता ही होगा मैं क्रिकेट का कितना बड़ा फैन हूं। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। क्रिकेट का कितना बड़ा फैन हूं और स्पेशली धोनी भाई का। एंड आई नो गाइस कि आप लोग भी क्रिकेट देखते होगे, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो फैंटेसी स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जा रहे? आप लोग माय 11 सर्कल पे खुद की टीम उतार सकते हैं और उस टीम को उतार के पैसा जीत सकते हैं। जैसा आपको पता है कि अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है, आपके पास चांस है 1 करोड़ जीतने का, और अगर इसी में आप लक्ष्मण की टीम को हरा देते तो आप 5 गुना कैश जीत सकते हैं। अगर आप लोग मेरी लिंक से जाएंगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपए का बोनस, तो प्लीज मेहनत मत करो, सीधा लिंक पे क्लिक करो, पहुंच जाओ, साइन इन करो, पाओ 1500 रुपए का बोनस। और एक और चीज है, मेरे सब्सक्राइबर को अपने फर्स्ट डिपॉजिट में आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। यहाँ हर हफ्ते कोई ना कोई करोड़ों के प्राइस जीतता है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप देख क्या रहो, जाओ जाकर डाउनलोड करो माय 11 सर्कल को। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एट योर ऑन रिस्क। सो गाइस अब बात कर लेते हैं उस लड़की की जो इस वीडियो में आई थी। हाल फिलहाल उसकी एक वीडियो आई है जिसमें उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ये वीडियो के बारे में उसको पता नहीं था, वो एक पेड एक्ट्रेस थी एंड उसने इस वीडियो में एक्टिंग की थी, सिर्फ एक्टिंग की थी, उसको नहीं पता था कि इस वीडियो का इंटेंशन क्या है। एग्जैक्टली मुझे अमय भोसले यानी कि एएनडी यूट्यूबर, उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया, उसने मुझसे कहा कि एक वीडियो बनानी है। रिसेंटली मैं अपने शूट में बिजी थी, मैं एक एक्टर हूँ, एक मॉडल हूँ, मैं यूजुअली शूट्स करती रहती हूँ, पेड शूट करती हूँ। देखो कॉमन सी बात है, मैं जानता हूँ ना आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होगा, ना आपके पास कोई एग्रीमेंट होगा, ना आपने कोई एनओसी पे साइन किया होगा, क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन हाउस वाला बंदा नहीं है। आपने सिर्फ कॉल पे या दोस्ती यारी में ये वीडियो बना ली होगी। बट गाइस और दीदी आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस तरीके की कोई वीडियो बना रहे हैं और उसका इंटेंशन कुछ और चला जाता है, तो इसमें जितनी गलती उस लड़के की उतनी गलती आपकी भी है। आप लोगों के बीच जब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई एनओसी सर्टिफिकेट साइन हुआ, तो एक बहुत बड़ा केस या सेंसिटिव लॉ जिसे मैं बोलूं मोलेस्टेशन वाला, वो आपने हवा में बोल दिया कि ले तेरे ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगा दूंगी। चलो चलो मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन का केस लगाओगी तू। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इंडिया में आज की डेट में हर दिन, जी हाँ हर दिन रेप्स हो रहे हैं। आजकल लोग कुत्तों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, इतने बुरे हालात है हमारे इधर। उस बीच हमारे कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए हैं जिससे लड़कियों की सेफ्टी हो सके। आप उन कानूनों का इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं जिससे लोग सच में इन कानूनों को मजाक में लेने लगेंगे। आज की डेट में अगर कोई सच में मोलेस्टेशन कर देगा ना, तो उसके पास भी विक्टिम कार्ड रहेगा कि भाई फेमिनिज्म का सहारा ले लिया इसने। हमारे पास एक नहीं हजारों एग्जांपल है जिसमें मोलेस्टेशन के नाम पे काफी लड़कों को फंसा दिया गया था। प्लीज यह लॉ सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आपका एक वर्ड लड़की की जिंदगी खराब कर सकता है। तो प्लीज आज के बाद किसी भी वीडियो में कोई भी लड़की जाए ना, तो एक एग्रीमेंट कर ले, और प्लीज इस तरीके से हमारे लॉ का और इतने सेंसिटिव लॉ का मजाक ना उड़ाए। मैं सीधा बोलता हूँ 70% गलती अगर इसमें लड़के की है तो 30% आपकी भी है। आप एक लड़की हो, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रही हो वीडियो में और उसका इंटेंशन क्या कर सकता है। और अगर आप खुद को एक्टर बोलते हो तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमेशा एक एग्रीमेंट किया करो और एक एनओसी सर्टिफिकेट जरूर अपने पास रखा करो। बाकी अगर वीडियो मेरा ओपिनियन पसंद आया तो लाइक
लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एक वीडियो वायरल करने का बहुत टाइम है तुम्हारे पास, नॉलेज वाली वीडियो शेयर करते नहीं बनते तुमसे, है ना? यही दोस्ती यही प्यार आगे शेयर की तरह। ठीक है भाई, कोई नहीं, अपना ही वक्त आएगा। बाकी तो सब सेट है। वेरीफाइड सम्राट भाई ऑफिशियल को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी ट्विटर पे भी। माई इलेवन सर्कल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लेना। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 60,000 लाइक कर दो। बाकी सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। जय श्री राम।